धूम चाले ओके मामा जी, अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। इससे आगे आपका वोट अपना, मेरा वोट अपना, ठीक है ना? मिस गाइड ना कर, हमारी एक ही पार्टी है। हाँ जी, ठीक है जी, वोट डाल के मिलते हैं आपको। मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा मालिक एक सख्त दिल इंसान है। पहले तुम्हारे लिए रोता रहा, अब तुम घर आई भी हो तो तुम्हारा मालिक घर नहीं आ रहा। मेरा इसमें क्या कसूर है, मुझे बता ना। I'm really sorry मेरी जान, I know तुम गलत घर में आ गई हो। मैं क्या करूँ, मेरे पापा ऐसे ही हैं। जब मैं छोटा था तब से वो ऐसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, हाईली कमेंटेड व्लॉग अभी तक का, कि बट साहब को बाइक लेके दो। ये रही जी बट साहब की बाइक, लेकिन कल से बट साहब ही गायब है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता लग चुका है कि बट साहब कहाँ है और कल की रात कहाँ थे, कल की सारी दोपहर कहाँ थे। हाय हाय की दसिए तालू। खैर अभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो आपको एक मैं कल रात की जो हमारी एक कॉल की पूरी हिस्ट्री थी ना, हमने एक कॉल की थी जहां से हमें पता लगा था कि बट साहब इस टाइम कहाँ पर है और कहाँ गए हैं, वो सारी मैं मर्ज कर दूंगा, आप इजी होके देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, की आले ठीक ठाक को? शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक है। तबीयत डाउन डाउन लग रही आपकी, खैर क्या हाल है बट साहिब? मिल गया फिर आपका शौहर नामदार के नहीं मिला अभी? आपको गाड़ी में बैठ के हमने जो रात को कॉल की थी वो पूरी हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने कहा था कि सुबह जब व्लॉग बनाऊंगा उसके अंदर मर्ज कर दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा वो कहाँ पर थे, क्यों गए थे और अभी हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वोट डालने। बट साहब वोट डाल रहे हैं, डाल के आ रहे हैं घर, लेकिन उनके आने से पहले पहले हम भी आ जाएंगे। और ये जो औरत है ये रही इसकी प्रोडक्शन, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो आज बीमार है। जान क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ तबीयत? तबीयत तो क्या हुआ बताओ, क्या आ रही है? मैंने दाई पिया, मुझे खांसी आ रही है, मेरी जान की तबीयत खराब है। अम्मा जी उठ जाओ, हम लोग काफी लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरा ख्याल है निकलना चाहिए हमें। ठीक है निकलते हैं जी, वोट डाल के आते हैं, फिर आपको बताते हैं बट साहब का क्या सीन करना है, उनको बाइक कैसे देनी है, उनको बाइक का सरप्राइज कैसे देना है। आज इंशाल्लाह कटी कटा निकल जाएगा, बट साहब आज घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आ जाएंगे जी इंशाल्लाह, वोट डाल के उन्हें आना। बताते हैं। चलो जी चलिए, ओके हाला आप इधर ही होके चले जाओगे? मैं इधर ही। चलो ठीक है हम जा रहे हैं, निकले माँ जी। चलो ओके। पापा आगे पीछे से तो नहीं, पापा ने थोड़ा सा लेट ही आना क्योंकि उन्होंने दूर से आना है, वोट शोट डाल के आना है। हाँ। तो वो आराम से आएंगे। ठीक है लोगों के बच्चे घूमते हैं, पापा घूमे हुए। मेरे पापा बचपन से ही घूमते रहते हैं, खैर है कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो जी चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jil fajam. अच्छा जी हैदर को ले लेते हैं घर से, क्योंकि वो वोट अपना दे आया, अब वेला ही बैठा होगा ना घर पे, हमारे साथ चला जाएगा। और सड़कें चेक करो किस तरह खाली हैं आज भाई जान, क्या बात है। हमें चेक करो क्यों कि हम लोग वोट डालने भी लेट हैं। वोट डालने का टाइम होता है जी 5 बजे तक का, जी शॉक बता रही है कि अभी 4 बजने लगे हैं, 1 घंटा सिर्फ रह गया और हमारा वोट भी दूर बना हुआ है, लेकिन डालना तो है और हमारा कुछ नहीं बन सकता, हम लोग वोट डालने जा रहे हैं वो भी लेट। हमारा नाम है लेट लतीफ, लेट लतीफ। चलो जी आ गया जी, हैदर साहब आ गए हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? आजा आजा आजा, हरिया फरिया। बट साहब नहीं आए, वोट डालने जा रहा हूँ, और किधर जा रहा हूँ, वो डाला है? मैं तो डाला है। आए ए निशानी है, जिसका स्टेटस खोल वो अगो अंगूठा, जिसका स्टेटस खोल वो अगो अंगूठा। और मैं कहा भाई ठीक है ओके, पता लग गया तुम वोट पा आए हो, तुमने तो नहीं स्टेटस लगाया, तुम्हारी मेहरबानी शुक्रिया। चले भाई किसको डाल के आए वोट, बताना नहीं है, बताना नहीं है। वोट पर चेंज अल्लाह खैर करेगा। मेरी बात सुनो, बट साहब नहीं आए अभी तक घर, कल रात के नहीं आए, अभी तक नहीं आए, रात को फोन किया ना हमने, जो रात को फोन किया ना पता लग गया था, लेकिन आए नहीं अभी तक घर, वोट शोट डाल के आएंगे, वोट शोट डाल के फिर आएंगे। बस जी टैंकी फुल करवा लें, उसके बाद स्पीड चेक करना अपने बाइक की आप। चलो जी ओके जी, निकल चुके हैं, मेरे अंदर का विंड डीजल जो है वो अब जाग चुका है, 20 मिनट के अंदर अंदर मैं वोटिंग पोल पे होऊंगा। अरे अयो परे अयो, भैनों से भराओ परे अयो, मेरा वोट निकल चला जी। लो भाई
20 मिनट में मैंने पहुंचा तो दिया, बस अब 5 मिनट का सफर आगे रह गया। 20 मिनट से 25 मिनट हो गए, 5 मिनट की माजरत। परे यो। A few moments later. चलो जी, ओके मामा जी, अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं, इससे आगे आपका वोट अपना, मेरा वोट अपना, ठीक है ना? मिस गाइड ना कर, हमारी एक ही पार्टी है। हाँ जी, ठीक है जी, वोट डाल के मिलते हैं आपको। वॉलेट पकड़ लें भाई, वॉलेट। मेरा आईडी कार्ड। हाँ, आपका आईडी कार्ड मेरे वॉलेट में है, ठीक है? अच्छा जी, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, वोट फॉर चेंज हमने कर दिया। हैदर अब अम्मा का वोट डलवा रहा है, अम्मा जैसे ही वोट डाल लेती हैं फिर निकलते हैं। नहीं यकीन थे, चेक कर लो भाई, मोर लग गई है जिड़ी फेर दा, वेख वेख के मैं थक गया, हर स्टेटस यही अंगूठा। आ गई। हाँ जी, ओके पक्की बात है, डाल के आयो ना वोट फॉर चेंज। जबरदस्त अंगूठा दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, जबरदस्त, आ जाओ। चेक करो, 20 मिनट में पहुंचाया, 25 मिनट में मोर लगी। कुछ प्रोटोकॉल आपको पता है, रश में आपका भाई फंसता ही नहीं है। आजे आजे बटवा आप आगे आजे। अच्छा जी, टाइम पे लगाई, पूरे टाइम पे मोर लगा के आ गया। बाकी अल्लाह मालिक है, अभी दिल हल्का हो गया कि भाई हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह, हमारे मुल्क का हाल तो वही होना जो मेरे मालिक को मंजूर होगा, जो हमारे हुक्मरानों को मंजूर होगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही यादगार चीज दिखाने लगा, भाई मोबाइल मुझे दो, आजा भाई। अच्छा जी, जो आपको चीज दिखाने लगा था वो ये है, ये वो नान टिक्की है जो आज से 13-14 साल पहले जब मैं यहाँ रहता था तो मैं बहुत शौक से खाता था। वो सामने रहा मेरा स्कूल, वर्कर वेलफेयर स्कूल, और ये रहा पार्क जहाँ मैं बंक मार के आया करता था। भाई जान जरा खाना खिला दे, 3 शामी और 3 कीमे वाली टिक्कियाँ, ठीक है, गाड़ी में सर्व करवा दे। और मेरा भाई है बंक मार के आते सामने वाले पार्क में। हाँ, टीचर कहता बाहर आता थी, बड़ा बड़ा स्कूल ही, पूरा बहुत बड़ा स्कूल है, देखता नहीं था। टीचर बाहर आता भी था, कहता है अरे बट्टा का बाल है, कहना पढ़ना अल्लाह ही कसम, ऐसे ही करता था, कहता यार खैर बट्टा का बाल है, क्लास यहाँ से नान टिक्कियाँ खानी, यहाँ से नान टिक्की खानी, अंदर जाकर बैठ जाना, ये हिसाब था मेरा। चलो आए, ये आ गई जी टिक्कियां, नान आ गया, ये आपका भाई कहता था जब जब बंक मारा मैंने। तुझे कह रहा हूँ यार, पागल है तू, तनु कह रहा हूँ जब जब बंक मारा है तब तब यही खाया मैंने। बिस्मिल्लाह करो जी, चलो चलो। हाँ भाई, मजे किया? मजेदार। हाँ जी, कैसा बंक तू मार रहा था? हाँ। मैं क्या पूछ रहा है? चलो वैसे कह रहा हूँ, मजेदार कि नहीं मजेदार? बिस्मिल्लाह, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन की सारी यादें ताजा हो गई हैं। जब मेरी भूख होती थी 3-4 नान टिक्कियों की, और मेरी शेख माँ मुझे पैसे देती थी सिर्फ एक नान टिक्की की, ठीक है, मेरा दिल करता था मैं और खाऊं, लेकिन मेरी जेब कहती थी बस पुत्र एक ही खानी है। तो आज आपके भाई ने 2-3 नान टिक्कियां पाड़ी, सुकून से मजा आया। 2-3 नहीं खाई, 4 दूसरी और 4 दूसरी खाई आपने, 4 कीमे वाली, 4 आलू वाली। चुप कर, बताओ बहुत मजा आया भाई जान, बहुत मजा आया। और वो शिट यार, शिट 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 शिट, मैं तो भूल गया, आप लोगों को वीडियो दिखानी थी जो हमने रात को कॉल रिकॉर्ड किया कि व्हाट्सएप कहाँ पर है, कहाँ गायब हुए थे। पहले आप लोगों को वीडियो देख ले, फिर बात करते। अच्छा जी, तायबू के नंबर पे तो हमने कॉल कर ली थी, आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, वहां पर तो बाबा नहीं थे। अब फोन कर लेते हैं चाचू को, नहीं चाचू के बेटे को, क्योंकि चाचू इस टाइम सो रहे होंगे, अगर उनका बेटा जा रहा हुआ तो वो फोन उठा लेगा, देखते हैं उठाता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है जी? ठीक हूं भाई, आप बताओ? शुक्र अल्लाह पाक का, सो तो नहीं रहे थे? नहीं भाई, अभी तो नहीं। अच्छा मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताना, बगैर किसी ड्रामेबाजी के और बगैर झूठ बोले, बाबा मेरे आपकी तरफ है, बड़े बट साहब आपकी तरफ है? नहीं यार, कहां अबू तो नहीं है इधर। ड्रामे ना कारिशानी, सही सही दस, सारा घर परेशान होया वीरे, सही दस। और यार मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की यार? तुझे मौला की कसम है, सही बता, है कि नहीं है? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा इन बातों पर, मौला की कसम। चलो बताओ ना यार, मम्मा परेशान हुई है भाई, अगर है तो बता दो, तुम्हारी मेहरबानी, मैंने क्या कहना है? यार मेरी बात सुनो। हाँ जी सुनाओ। उनको कुछ कहना ना, ड्रामेबाजी कोई ना करना, इधर ही है। मैंने क्यों कहना है भाई, लेकिन परेशान होते हैं ना, अगर वो नहीं बताते तो एटलीस्ट आप लोग बता दिया करो कि यहाँ पर आ गए हैं वो, अभी वहाँ पर ही है पापा। नहीं यार, मैं खुद अब्बू से इतना उदास हुआ था, मैं खुद उनसे आज मैंने उनके साथ ही जुप्पी डाल के सो जा रहा। अच्छा अभी इधर ही है ना?
इधर ही है, सुबह मैंने आना होगा तो मैं उनको घर ड्रॉप कर दूंगा। चलो मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। और घर सब खैर है? सब खैर, दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू को सलाम देना मेरा, सलाम देना सबको, अम्मी को भी, चाचू चाचू को भी सलाम करना, थैंक यू जी। ठीक है भाई, ओके ओके। देख लिया वीडियो, यहाँ पर थे रात को व्हाट्सअप, हमने कल कॉल की थी तायबू के घर, वहाँ पर नहीं थे, रात के बैठे हुए चाचू के घर, सुबह वोट डाल के कहते मैं घर आऊंगा, तो अब आने वाले होंगे। अभी मैंने कॉल की है और मैंने गार्ड से भी कह दिया जब पापा सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाएं मुझे कॉल कर दी, ताकि हम पापा का पूरा इंतजाम कर ले, सरप्राइज देना उनको। पहले तो मैं लड़ूंगा थोड़ा सा उनसे, क्यों लड़ूंगा, क्योंकि बताते ही नहीं है कहां जाते हैं। खैर ये लड़ाई 15,000 साल बार हो चुकी है, लेकिन कोई 35 साल से लड़ाई हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने नहीं बताना, ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर उनको उनका सरप्राइज देंगे और ये बाइक का कट्टी कट्टा खत्म करेंगे भाई, ठीक है भाई, सामने चेक करो मामा, तीन तीन कलर दे रहा आसमान इस टाइम, इस्लामाबाद नहीं है भाई, ये लाहौर है मेरा प्यारा लाहौर। चलो जी बिस्मिल्लाह। ऐसा की आले सरकार बैठा भी आए, तूने वोट डाला कि ऐसे ही आ गया, वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, तू मुहिब्बे वतन नहीं है, मैं इतना तेल लगा के इतनी दूर गया हूँ मैं वोट डालने, तूने वोट नहीं डाला, शर्म नहीं आई तुझे? अब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, टाइम नहीं मिला, क्यों, आपकी मीटिंग थी बुर्ज खलीफा में, टाइम कहाँ से नहीं मिला, कहाँ बिजी था, कटिंग खत कराने में, फिर वो मोहल्ले के बच्चों के साथ सेल्फी ले रहा था, अवैस आया है जी, रजब फैमिली का अवैस आया था, मोहल्ले में सेल्फियां ले ले, वोट क्यों नहीं डाला तूने, बस टाइम नहीं मिला। अब अगर चेंजिंग आ गई ना, अब अगर पाकिस्तान कामयाबी की बुलंदियों को छू गया तो तू उसका हकदार नहीं होगा, तुझे आटा चीनी नमक दाल हर चीज महंगी मिलेगी, क्योंकि तूने वोट नहीं दिया, समय लगी है ना भाई, दिखा दे रहा इसको वोट का निशान, दिखा वोट का निशान, दिखा, तू तो ऐसे भी नहीं कर सकता, करके दिखा, पेंसिल लगा लूंगा, बकवास, कटिंग खत्म कराने का टाइम तेरे पास था, है कटिंग खत्म कराने का टाइम तेरे पास था, तू हिब्बे वतन नहीं है, तू प्यार नहीं करता अपने मुल्क से, है ना, तू चेंज का हकदार नहीं है, निकल जा अवैस, निकल जा, मामा जी निकाल दो इसको, घर पे सेल्फी ले तेरा, इधर आ पागल, टाइम जाया करके आ गया, कटिंग खत करवा के आ गया, अच्छा मेरी बात सुन, इधर आ, व्लॉग पे ध्यान दे, अब मुहिब्बे वतन तो नहीं बना, मुहिब्बे रजब फैमिली तो बन जा, इधर आ, हरियप हरियप हरियप, इसको जाना, इसको इसको अंदर कर दे, अंदर कर दे हरियप, क्योंकि बट साहब आए कि नहीं आए, बटा भी नहीं आ रहा, इसको ले जा एंड पे लगा दे नुकर में, ताकि बट साहब जब आए तो उनकी नजर ना पड़े इसके ऊपर, एंड पे लगा दे, एंड पे, शाबाश शाबाश मेरी जान, बहुत वाला, एंड पे एंड पे एंड पे एंड पे एंड पे ध्यान से, ओके जी, बाइक का जुगाड़ तो हमने कर दिया, बाइक हमने नुक्कड़ में लगा दिया, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो आपको नहीं पता, आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, आपके दिमागों में भी नहीं आई होगी वो बात, पूछो क्या, क्या बात, पूछो क्या, क्या पूछो, क्या बता दो, पूछो क्या, लो मैं नहीं बताऊंगा बताता हूँ यार, ये देखो मैंने अपने भाई से कागज और पेंसिल मंगवा लिया, इसके ऊपर 4 से 5 चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में छपी हुई हैं बाइक लेके देने से पहले से, ठीक है, आप वो सारे लिखो रिटर्न, हम अपनी ऑडियंस को भी दिखाएंगे, जब व्हाट्सएप आएंगे उनको बाइक का सरप्राइज देंगे, उसके बाद उन 4-5 चीजों के आगे साइन करवाएंगे, ठीक है हाँ, ऐसे नहीं बाइक दूंगा उनको भाई जान, अभी आधा पौना घंटा लगना उनको आने में, मैं टच में हूँ, जैसे ही वो सोसाइटी से एंटर होंगे गार्ड मुझे फोन कर देगा, ठीक है ना, आधा पौना घंटा भी लगेगा भाई, हाँ जी एग्रीमेंट करना व्हाट्सएप के साथ, 4-5 चीजें मोटी मोटी मेरे ध्यान में है, वो लिखवा के मैंने उनको अंगूठा लगवाना है, साइन करवाना है, फिर उनको मैंने बाइक की चाबी देनी है, ठीक है ना, लिख भाई बिस्मिल्लाह कर, चल शाबाश, सबसे पहले आप यहाँ पर मोटा मोटा करके लिखें एग्रीमेंट फॉर बाइक, एग्रीमेंट फॉर बाइक फ्रॉम रजब फैमिली, ये चीज एग्रीमेंट फॉर बाइक, और ये आ गया पहला हमारा एग्रीमेंट, पहला एग्रीमेंट हमारा बट साहब के साथ ये होगा कि बट साहब हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाएंगे, अगर बट साहब हेलमेट के बगैर बाइक चलाते हुए एक दिन भी नजर आ गए उसी दिन हम बाइक लेके सेल कर देंगे, ठीक है, लिखो शाबाश, नो बाइक विदाउट हेलमेट, यस, नो ड्राइविंग, नो बाइक, नो ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, ड्राइविंग की राइडिंग, ओके करो बिस्मिल्लाह करो, ये आ गया जी, नो राइडिंग विदाउट हेलमेट, यहाँ पर व्हाट्सएप के साइन आ जाएंगे, यहाँ लिखो आप दूसरा, और दूसरा हमारा जो एग्रीमेंट है व्हाट्सएप के साथ वो ये है कि बट साहब सारी की सारी बच्चियां खाला की एक दफा बिठा के बाइक नहीं चलाएंगे, सिर्फ मिर्जा होगी या एक आध बच्ची और बैठ जाएगी, दरअसल खाला की 5 बेटियां, बट साहब 4-4 लड़कियां साथ बिठा के सोसाइटी में फिरते रहते, ऐसे करते रहते, जेनवन बात है, इसलिए मैंने बाइक सेल की थी, लिखो कि आप 1 या 2 सवारियां बिठा के बाइक चलाएंगे, आप जो है मौत के कुएं में बाइक नहीं चलाएंगे, लिखो लिखो, नो ट्रिपलिंग ऑन बाइक, जबरदस्त, और यहां पर आ जाएगा साइन, ठीक है, अब तीसरा लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीमेंट, मोस्ट इम
इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट वो ये है कि बट साहब 6 बजे के बाद बाइक नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप सबको पता है उनको आंखों का मसला था, तो दोबारा भी हो सकता है भाईजान, क्योंकि एज ऐसी है, मोतिया आंखों में उतरा हुआ था। तो बट साहब 6 बजे के बाद बाइक नहीं चलाएंगे जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, और इस चीज की जो गारंटी है वो मामा देगी। मामा जी आप गारंटी दोगे इस चीज की? 6 बजे के बाद बाइक मुझे बाहर नजर आई, मैं उसी दिन बाइक सेल कर दूंगा, ठीक है? यार बस एग्रीमेंट करना मेरे, बताओ हम करते हो? अगर आप हम करोगे फिर दूंगा बाइक में। ओके लिखो भाई, लिख दिया, 6 बजे के बाद बाइक नहीं निकलेगी बाहर, नो राइडिंग आफ्टर 6 PM। चौथा लिखो भाई जान, चौथा लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि पप्पा बाइक के ऊपर मम्मा को बिठा के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना? पप्पा बच्चों को बिठाएं, पप्पा अवैस को बिठाएं, आपको बिठा लें, मुझे बिठा लें, अम्मा को बिठा के कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा बाइक पे नहीं बैठेगी, क्यों? अम्मा सारे जहाज से मोटी है। मम्मा जी नहीं, मोटे तो आप हो ही, वो तो बात सच है, मोटे तो आप हो, लेकिन आप सेलिब्रिटी हो, सबसे बड़े सेलिब्रिटी हमारे घर में आप ही हो, बाइक पे बैठे हुए आप अच्छे नहीं लगोगे। मैं और मेरा बाप जो है ना, हम तो मजदूर पेशावर आदमी है, अवैस हैदर, हम तो मजदूर है, आप सेलिब्रिटी हो, आप बाइक पे नहीं जा सकते, ठीक है? लिखो भाई, बाइक पे जाऊंगी, बट साहब के साथ जाऊंगी यार। अच्छा चल तू एक काम कर, ये लिख दे ऑप्शनल, ये इन दोनों का जो है ना वो मुश्तरका फैसला होगा, ठीक है? लेकिन ये जो तीन है ना, ये जो तीन है, ये जो है ना ये कंपलसरी है, ठीक है? ओके जी, अब ठीक है, लिखो भाई, लिखो, नो वेट ओवरलोड ऑन बाइक, ओके? लिख लिख लिख, ओना पता ही कहना, ओना कहना, फाड़े फाड़ चाबी, मेरे को ये साइड छोड़ दे, नो राइडिंग विद बेगम, जबरदस्त। लो जी, 4 के 4 एग्रीमेंट एक बार पढ़ लो, नो राइडिंग विदाउट हेलमेट, नो ट्रिपलिंग ऑन बाइक, नो राइडिंग आफ्टर 6 PM, नो राइडिंग विद हैवी वेट, ठीक है जी? ये 4 हमारे एग्रीमेंट है, व्हाट्सएप आने वाले हैं, मेरा ख्याल है 7:30 हो गए ना, 8:15 तक घर आ जाएंगे, जैसे ही व्हाट्सएप आते हैं, फिर मैंने सोचा हुआ है कि हमने सरप्राइज कैसे दे रहे हैं, सरप्राइज देते हैं, फिर उनकी क्लास लेते हैं कि हमें बताए बगैर क्यों जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, वेट करो, अब होती मुलाकात आधे पौने घंटे के बाद। 1 hour later। ओए फोन आ गया जी, मामा जी, मामा, फोन आ गया, गार्ड का फोन आ गया, गार्ड का फोन आ गया है कि आपके पापा श्री, आपके पापा श्री 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 सोसाइटी से एंटर हो चुके हैं। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में भाई, छोड़ दे यूट्यूब की जान, आइयो तैयारी फाड़ लो, अपनी अपनी पोजीशन पकड़ लो, व्हाट्सएप आते हैं, पहले उनको हम तनकीद करेंगे कि आप हमें बता के क्यों नहीं गए, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर कहीं आएंगे, आते ही उन्होंने न्यूज चैनल में बैठ जाना, जब वो न्यूज चैनल में बैठ जाएंगे, पीछे से हम अपना सरप्राइज रिवील कर देंगे। ओके डन, अंदर ले आएंगे, अंदर ले आएंगे, क्या कहाँ गए बच्चे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कल से कहाँ पर थे आप घर में? चार थे। किसको बता के गए थे? मम्मा देवी को। मम्मा खाओ मेरी कसम, आप बता के गए थे? बताओ सही, पापा जी ड्रामे ना करो, ड्रामे ना करो, आप पता कितनी मुश्किल मेरा हाथ आज कल, बताओ मुझे किसको बता के गए थे? किसको बता के गए? तेरी मां ने दस के मम्मा तू हसला पहले, वो कहता बता के गया था, पापा जी सही बताओ, आपको मेरी कसम आप बता के गए थे? कैसे बस निकले चादर लेके चले गए? नहीं मैं दस के गया था, मैं कहा मैं वोट पा के आऊं, मम्मा वो कह रहे मैं बता के गया था यार, निशान मेरा वोट का, पापा जी वोट का निशान तो ठीक है, लेकिन मम्मा यार मम्मा हिली तो नहीं हुई ना के तुसी दस ही गए हो, जब मनुना दसा तुसी ला के छोड़ोगे? बताओ मुझे क्या गए थे, झूठ क्यों बोला आपने? क्यों मैंने झूठ बोला? बता बाबा ने पानी पिला, यही कुछ हो रहा सही, आपने मुझे बताओ, मुझे बताओ बता क्यों नहीं जाते, फोन क्यों नहीं रखते? आपको मैंने 3-3 बार फोन लेके दिया है, फोन क्यों नहीं रखते? अच्छा जी मैंने पापा को ना फोन ला के दिया बटनों वाला, ठीक है पापा, पापा को मैंने बटनों वाला फोन ला के दिया, मैंने कहा पापा जी लफज में लफज भी है। मैंने बटन वाला फोन पापा को ला कर दिया, पापा यार आप निकल जाते हो कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है, एटलीस्ट हमारा फोन उठा लिया करो, कॉल नहीं करनी ना करो, आपका एटीट्यूड है, आप हमारा फोन उठा लिया करो। शक्ल देखो आप, अब शक्ल देखो इनकी, शक्ल देखो, बताऊं पूरी बात? बताऊं? बताओ क्या हुआ था? आप बताओ बताओ क्या हुआ? मैंने फोन लेके दिया बटनों वाला, अब ग्रीन वाले बटन से फोन उठा रहा है,
रेड वाले बटन से, रेड वाले बटन से फोन बंद होता है, ठीक है। मतलब गल दसन दे ना, हूं गल दसन दे। मेरे फोन लेके दिया भाई यार चुप, मैंने फोन लेके दिया, सिम डाल के दी, चुप ठीक है, सिम डाल के दी पापा ड्रम में अच्छा तो लग रहा था। हाँ, तो लग रहा। मैंने सिम डाल के दी, फोन लेके दिया पापा को, पापा जी मैं फोन करूंगा तो फोन आपने ग्रीन से उठाना है, रेड से आपने काटना है, रेड से आपका कोई काम नहीं है, आपने ग्रीन से सिर्फ उठाना है। मैंने भाई जान एक दिन क्या हुआ, पापा निकल गए, हम लोग सारे परेशान, पापा किधर गए, पापा किधर गए, पापा को फोन कर रहा हूँ, पापा का नंबर एकदम बंद हो गया, पहले बेल जा रही है, एकदम नंबर बंद हो गया, ठीक है। आप किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ठीक है, इधर आओ, मैं सुनाना स्टोरी, मेरे कॉल रहो। मैंने फोन किया, बेल गई, अगली बेल पे फोन बंद हो गया। घर आए अगली सुबह, मैं कहा यार आपको फोन दिया, नया मोबाइल दिया, फोन उठाया क्यों नहीं, बेल गई है, बैटरी फुल चार्ज है, आगे से फोन बंद हो गया, फड़ डैश डैश फोन की, मैंने डैश डैश, अब मैं वो डैश डैश यहां बता नहीं सकता, डैश डैश फोन दिता ही, मैं फोन चुकया, फोन बंद हो गया, और मैं ऑन पे भी होता, लाइट नहीं बलती भी, मैं कहा फोन उठाओ, कैसे फोन उठाया था, कैसे फोन उठाया था बताओ जरा, फोन कैसे उठाया था, फोन कैसे उठाया था सही बताओ, फोन कैसे उठाया था, कौन से बटन से, रेड से, ग्रीन से, फोन बंद हो गया, कार आके फड़ फलाना फलाना फोन देता, मैं फोन चुनिया, फोन बंद हो गया, ओन बंद पिया, ओन नहीं होता पिया। चलो बैठ जाओ, आ जाओ यार, बता के जाया करो यार, परेशानी होती है, मम्मा को परेशानी होती है, मुझे परेशानी होती है, आपकी मेहरबानी है, ना तंग किया करो यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। पापा न्यूज चैनल पे लग गए, अपना काम स्टार्ट करें, ये मोबाइल तू पकड़ ले, एक मोबाइल से हैदर रिकॉर्ड कर लेगा, हैदर ये वाला मोबाइल लेके तू सामने खड़ा हो, ठीक है, अवैध यहाँ से रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड कर ले, पापा को आने लगा रहने दो, ठीक है, ओके। धूम मचा ले
ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਪਾ ਜੀ ਅਵੈਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਬੋਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਚਲਾਣੀ ਬੋਤੀ ਹਾਂ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਟਸ ਐਪ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਬ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਗਈ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਆਦੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ आपसे अब कुछ जरूरी बातें करनी है काइंडली यहाँ पर तशरीफ ले आए आपका काम मैंने पूरा कर दिया जो आपके बच्चों ने लील लगाई हुई थी बाइक 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 ला दी आपकी अब हमारे कुछ सिग्नेचर है आप काइंडली वो सिग्नेचर कर दें भाई सिग्नेचर के लिए वो लेके आओ बुक कहाँ पर है भाई वो हेलमेट पकड़ाओ हेलमेट पकड़ाओ बिस्मिल्लाह करो हेलमेट पकड़ाओ ये लाओ बट साहब ये साथ आपका आपका न्यू हेलमेट इसके बगैर आप बाइक नहीं चलाएंगे ठीक है उसके बाद चार साइन है वो चार साइन कर दें और मुझे ये बताएं कि आपको बाइक पसंद आई है कलर फिट है जबरदस्त है खुश है अपने बच्चों से अब कहते हैं कि हर व्लॉग के नीचे कमेंट करना छोड़ दें बाइक 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 हर कमेंट के नीचे आप व्लॉग में कहना छोड़ दें कि बाइक 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 छोड़ दूं थैंक यू कमेंट करें अब थैंक यू करें मुझे थैंक यू मेहरबानी अल्लाह खुश रखे आपको फौजी शुरू यार यार की मेरी जान दादी कसम अच्छा जी बाइक हैंड ओवर करने से पहले हमारे चार ऐसे असूल हैं चार ऐसे रूल हैं जो आप साइन करेंगे फिर आपको बाइक मिलेगी पढ़े जरा क्या लिखा हुआ ये बिस्मिल्लाह करें पढ़े बताएं आप बताएं ना पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ अच्छा जी पहला रूल ये लिखा हुआ है भट साहब नो राइडिंग विदाउट हेलमेट आप हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाएंगे ओके अच्छा अगर एक भी रूल आपने डिसमिस किया या आपने उल्लंघन किया सबर कर दो हौसला करो अगर एक भी रूल का उल्लंघन किया तो उसी दिन बाइक सेल कर दी जाएगी ठीक है ओके सेल कर यार अच्छा पापा जी मैं सही कह रहा हूँ ठीक है यहाँ पर साइन करें कि आप हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाएंगे रुक जाओ उसके बाद दूसरा है नो ट्रिपलिंग ऑन बाइक आप तीन तीन सवारियां बिठा के बाइक नहीं चलाएंगे खाला के सारे बच्चे बिठा के बाइक नहीं चलाएंगे एक से दो बच्चे अलावा बस ठीक है ओके असूल आपको मंजूर है ठीक है तीसरा असूल है नो राइडिंग आफ्टर 6 PM 6 बजे के बाद आप बाइक नहीं चलाएंगे जब अंधेरा हो जाएगा ओके कबूल है कबूल है ठीक है जी डन हो गया लास्ट है नो राइडिंग विद बेगम बुड्ढी को बिठा के आपने बाइक नहीं चलानी ये मंजूर नहीं है क्यों क्यों नहीं मंजूर बेगम तो मेरी जान है ये बेगम वास्ते मैं मोटरसाइकिल लेती है तेरा इंतजार करते रहते हैं तेरे साल उठाने पास लेके जा फलाने पास लेके जा मैं क्या करूं उन्होंने कलम ही छाड़ता कहते यार ये मंजूर चलो यार ये ऑप्शनल है ठीक है आपका अगर दिल करे क्योंकि आपकी बेगम अब सेलिब्रिटी है सिर्फ आपकी बेगम नहीं है वो सेलिब्रिटी है बाइक पे बैठी अच्छी लगेगी चलो आओ साइन करो उन्होंने फौरन नहीं छाड़ता पेन कहते ये नहीं होगा आपके बगैर जाएंगे क्या आपने मेरी ईमान को लेके इसी तरह निकल जाए तेरे पापा निकलते हैं बाइक पे बाइक पे नहीं गाड़ी पे अच्छा बाइक पे चलो ठीक है चार के चार साइन करो नहीं तीन के अपने साइन करो अपने साइन करो खरमस्तियां ना करो लो जी साइन चेक करना माशाल्लाह मोहम्मद अफजल एडे ओके साइन करो आप ही कर रहे हैं वाह जी वाह लो जी ये चार के चार साइन बाबा के हो रहे हैं आप लोगों में से कोई भी बाबा को देखे इन चारों में से किसी एक रूल का भी उल्लंघन करते हुए मुझे बस इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भेज दो ठीक है उसी टाइम हम बाइक सेल कर देंगे चौथे नहीं करना चौथे तो नहीं करना चलो जी चौथे पर उन्होंने नहीं किया तीनों पे कर दिए ठीक है जी आपको बाइक बहुत मुबारक हो खैर मुबारक थोड़ी सी लेट हो गई उसके लिए माजरत क्योंकि मसरूफियात कुछ इस तरह की आपको पता ही है वरना पहले दिन ही आ जानी थी कोई टेंशन ही नहीं है आप हायाबुसा भी मांगते ना हायाबुसा भी आ जाना था ऑर्डर लगाओ आप अच्छा बट साहब मेरे पीछे पीछे बोले अल्लाह पाक जिस तरह आपने मेरे बेटे को तौफीक दी अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने की अपने बाप की ख्वाहिश की पूरी करने की इसी तरह मेरे सारे बच्चों को खुला रिज़क दे मालिक
कैसी मजेदार दुआ थी, जबरदस्त। हाँ जी पेपर ला दिए पापा जी, सर्दी में बाहर नहीं जाना, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने पहले जिस वजह से बाइक सेल की थी, दोबारा वो बाइक में सेल मुझे ना करनी पड़े, ठीक है। ख्याल रखना आपकी मेहरबानी, ये लो हेलमेट आपका फ्रेश हो गया, ठीक है। आपका कट्टी कट्टा अब खत्म है बाइक का। ओए ओए पापा जी, पापा जी उन्हें पा लिया जी, पहले पूछो तो सही, टैंक देखो चेक करो पूरा आता कि नहीं आता, चेक करो साइज सही है। चुक्के से लेके आया हूँ मैं तो, बिस्मिल्लाह करो जरा। हाँ साइज होते हैं, सर किसी का बड़ा सर किसी का छोटा। आए 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 क्या बात है, ब्रूसली ब्रूसली लग रहे भाई, पूरा ब्रूसली। कितनी है ये, कितनी है? रंगबाजियों से बात ना आना आप। ओके जी, तो ये रहा बाइक 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 का व्लॉग। आप सब ने मेरे जो है ना वो नाक में दम और कमेंट्स के अंदर तंगी की हुई थी कि भाई बाइक लेके दो, बाबा को बाइक लेके दो। ले जी बाइक, कुछ मसरूफियात की वजह से लेट हो गई, उसके लिए माजरत करता हूँ। अब बस रेडी रहो, एक सरप्राइज आने वाला है आप सबके लिए, मजेदार किस्म का। दुआ करो मैनू बस उस सरप्राइज की इजाजत मिल जाए। फिलहाल करता हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। ये रही जी बट साहब की धन्नो, मेरी है बसंती, बट साहब की है धन्नो। उम्मीद है आपको धन्नो पसंद आई होगी। अगर धन्नो पसंद आई हो, बट साहब को दिया हुआ सरप्राइज पसंद आया हो, तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए और जबरदस्त व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।